बच्चों, तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगा फिजिक्स का चैप्टर। क्लास 8 में आप लोग, अभी साइंस स्टार्ट नहीं हुआ होगा, लेकिन साइंस में फिजिक्स का पार्ट जो है उसका चैप्टर मैं पढ़ाऊंगा, जिसका नाम है फोर्स। ठीक है, फोर्सेस। हर जगह हमें फोर्सेस। सबसे पहले मैं बता दूं, मेरा नाम है शिवम भास्कर और मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ अभी फोर्स। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कि फोर्स होता क्या है। ठीक है, फोर्स के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, कि फोर्स हमें क्या कहाँ कहाँ देखने को मिलता है। फोर्स हमें हर जगह देखने को मिलता है। अभी जैसे मैं बोल रहा हूँ तो उसमें भी मुझे मस्कुलर फोर्स लग रहा है, वो ठीक है। अब देखिए, इसे जब मैंने मार्कर का खोला तो यहाँ पर भी मुझे फोर्स लगा। हर जगह फोर्स। यहाँ पर मैं पुश कर रहा हूँ तो ये फोर्स लग रहा है, इसे मैं पुल करूंगा तो ये फोर्स लगेगा। ठीक है, और कोई 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 बास्केट है या कुछ भी है, ठीक है, कोई बॉक्स है, उसे मुझे वहां तक ले जाना है तो हम मुझे फोर्स पुश करके ले जाना पड़ेगा। अगर वहां पर रखा हुआ है बॉक्स और वहां से हमको लेके आना है तो क्या करना पड़ेगा, वहां से हमें खींच के लेके आना पड़ेगा, पुल करके लेके आना पड़ेगा। तो ये सब क्या है, फोर्स। तो सिंपली क्या होता है कि फोर्स को हम कैसे डिफाइन, सबसे पहले क्लास 8 का है, ठीक है, फिजिक्स। फोर्स पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो फोर्स का सबसे पहले हमें समझ में आ गया कि फोर्स होता क्या। हमने बॉल को किक किया, वो फोर्स है। ठीक है, हम क्रिकेट बॉल को फेंक रहे हैं, वो फोर्स है। हम बैडमिंटन कुछ भी कर रहे हैं तो वो फोर्स हम लगा रहे हैं। ठीक है, फोर्स लगा रहे हैं। तो एक्चुअली फोर्स होता क्या, तो उसका तो बहुत सारा डेफिनेशन हो जाएगा। बहुत सारा किक कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो सारा चीज को एक जगह लिखना चाहे तो फोर्स को क्या बोल सकते हैं। फोर्स इज अ पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट को हम पुश कर रहे हैं या तो पुल कर रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट को हम पुल कर रहे हैं, पुल किए हैं। ठीक है, और या तो और भी कुछ, हम बॉक्स को पुल कर रहे हैं या पुश कर रहे हैं तो वो ऑब्जेक्ट को, तो वो आपका क्या हो गया, फोर्स हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल अगर लिखना चाहें तो एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, किकिंग अ बॉल, बॉल को किक कर रहे हैं। और क्या है, और क्या लिख सकते हैं हम, ठीक है, पुलिंग अ बॉक्स, लिफ्टिंग, लिफ्टिंग मतलब उठाना, लिफ्टिंग अ बॉक्स। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जांपल हो जाएंगे। कार है, कार नहीं चल रहा है आपका, तो पीछे से आप धक्का लगाते हो कभी कभी। ठीक है, तो पीछे जब आप धक्का लगाओगे तो क्या कर रहे हो, पुल कर रहे हो। ठीक है, तो वो भी आपका फोर्स वहां पे लग रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका फोर्स। तो अब हमें देखना है, फोर्स हो गया। ठीक है, अब हमें जानना है कि फोर्स जब भी होता है तो इंट्रैक्शन में होता है। दो बॉडी इंट्रैक्शन में इंट्रैक्ट करेगा तभी फोर्स लगता है। मैग्नेटिक फोर्स लगता है कि दो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में, तब भी मैग्नेटिक फोर्स लगा। लेकिन जब सिंपली हम फोर्स लगाते हैं, जैसे इसे इस बोर्ड को हमें पुश करना है। ठीक है, पुश करना है तो हमें यहाँ इंटरेक्ट होना चाहिए। ऐसे नहीं कि यहाँ से हम ऐसे करेंगे तो वो नहीं चल जाएगा। ठीक है, अगर इसे बोर्ड को हमें नीचे करना है, बोर्ड को नीचे करना है तो ऐसे, अब इससे समझते हैं। ठीक है, तो अगर ये कैप को मुझे खोलना है तो ऐसे नहीं कि हमें ऐसे करके खुल जाएगा ये। ठीक है, बिना छुए ये, बिना इंटरेक्ट हुए, मेरा हाथ इससे इंटरेक्ट होगा तभी खुलेगा। जैसे मैंने इंटरेक्ट किया, इसे पुल किया, तो ये खुल गया। ठीक है, तो यही, इसी बारे में हम पढ़ने जाएंगे। ठीक है, तो क्या है इंट्रैक्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट, देखिए, द इंट्रैक्शन बिटवीन, पॉइंट बना लीजिए, इंट्रैक्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट मैक्स चेंजेस, मैक्स चेंजेस, इस तरह से भी लिख सकते हैं हम, इंटरेस्ट का यहाँ लिख सकते हैं, डेट कैन चेंज द स्टेट ऑफ स्टेट इंट्रैक्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट
स्टेट ऑफ डेनोसेट, ठीक है, उस मैटर का स्टेट चेंज हो जाएगा। अब सर यहाँ पर सब सब कुछ समझ में आ गया, ठीक है, कि इंटरेक्शन होगा ऑब्जेक्ट में तो क्या होगा, चेंज होगा, ठीक है, चेंज होगा अ स्टेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया, ठीक है, यहाँ पर स्टेट क्या है अभी मैं बताने जा रहा हूं, तब तक के लिए पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। हाँ तब नोट कर लिया होगा। तो अब हम देखेंगे कि कुछ कि जो स्टेट था वो उसका मतलब क्या हो रहा था। स्टेट का मतलब बहुत सारा चीज हो सकता है, कि उसका स्टेट चेंज हो जाएगा, अगर वो रेस्ट में है वो मोशन में आ जाएगा, अगर मोशन में है तो रेस्ट में आ जाएगा, ठीक है। अगर वो मूव कर रहा है, पहले समझ लीजिए, अगर मान के चलिए कोई बॉल है, बॉल क्रिकेट का जब बॉल होता है, जब बॉलर बॉल फेंकता है तो वो स्पीड से जो स्पीड से फेंकता है, लेकिन जब बैट्समैन जब उसको किक करता है, बैट्समैन जब उसको किक करता है, ठीक है, जब उस जब बल्ला चलाता है तो उस समय क्या होता है, उस समय होता है कि उसका जो स्पीड होता है जितना बॉल आ रहा था उससे भी ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज मिला कि फोर्स क्या कर सकता है, कि ऑब्जेक्ट का स्पीड को बढ़ा सकता है, ठीक है। और फिर जब बल जब वो गया, ठीक है, स्पीड गया, तो उसके बाद क्या हुआ कि जो 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 फील्डर था, ठीक है, जो फील्डर क्या करता है, फील्डर सॉरी फील्डर जो रहता है वो बॉल को क्या करता है, टच करता है, ठीक है, कैच लेना चाहता है, लेकिन उसे टच हो जाता है और क्या होता है, बॉल का स्पीड कम हो जाता है। या तो इस तरह से फुटबॉल में भी देख सकते हैं, फुटबॉल को अगर किक करते हैं तो वो स्पीड से जा रहा था, लेकिन अचानक से उसका जो अपोजिट टीम वाला था फुटबॉल को टच किया और उससे क्या हुआ कि उसका स्पीड कम हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर दो तीन दो चीज देखने को मिला, स्पीड बढ़ सकता है, स्पीड घट सकता है, और क्या है कि अगर हम कैच ले लिए बॉल को या तो पकड़ लिए बॉल को तो वो क्या हो गया, रुक जाएगा, मोशन में था, रेस्ट में आ गया, अगर रेस्ट में फुटबॉल रेस्ट में था, हम उसको किक किए तो वो मोशन में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमें बहुत सारी चीज देखने मिलता है। और क्या है कि अगर एक बलून है, बलून को या कुछ भी है, बलून है या, तो उसको अगर हम प्रेस करते हैं, ठीक है, तो उसके बाद शेप चेंज हो गया, शेप चेंज हो गया ना, तो शेप भी चेंज कर सकता है। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें, छह पॉइंट है, कुछ पॉइंट है उससे मैं लिखा देता हूँ। तो अभी से हम लिखेंगे कैसे, तो सबसे पहला पॉइंट आपका होता है कि इट कैन डिक्रीज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इट कैन डिक्रीज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। दूसरा पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, सिंपली यहां पर डिक्रीज है तो इट कैन इंक्रीज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। और क्या, अब यहां पर स्पीड का बात हो गया, क्या स्पीड हो गया, अब यहां पर एक और चीज हो जाएगा, इट कैन मैच द मूविंग बॉडी कम्स रेस्ट, इट कैन मैच द मूविंग बॉडी, इट कैन मैच, ठीक है, क्या हो जाएगा, इट कैन मैक द मूविंग बॉडी, चलता हुआ बॉडी जो मूव कर रहा था, मूविंग बॉडी मैक टू मैक कम टू रेस्ट, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं, कम टू रेस्ट, ठीक है, मैक कम टू रेस्ट, या फिर सीधा मूविंग बॉडी कम्स टू रेस्ट, ठीक है। और फिर लिख सकते हैं, इट कैन मेक द रेस्टिंग बॉडी, द रेस्टिंग बॉडी कम्स टू मूव, ठीक है, जो रुका हुआ बॉडी था वो मूव करने लगा। अब इसका एग्जांपल लिखाने का जरूरत तो नहीं है, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और फिर पांचवा पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, हाँ एक चीज और, डायरेक्शन भी चेंज होता है। यहाँ पर बॉल था, ठीक है, यहाँ पर फुटबॉल था, यहाँ से एक बॉलर ने किक किया यहाँ, ठीक है, ये तो डायरेक्शन इधर जा रहा था, ठीक इधर जा रहा था, लेकिन क्या हुआ, इधर से एक फुटबॉलर ने इधर किक कर दिया तो ये इधर आ गया, ठीक है, होता है ना। तो वही क्या हुआ, डायरेक्शन चेंज हुआ। तो डायरेक्शन चेंज अगर होगा, डायरेक्शन जब अगर चेंज होगा तो उसके फोर्स के कारण, ठीक है, तो यहां लिख सकते हैं इट कैन चेंज द
डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मोशन। अब लास्ट आपका क्या है कि लास्ट एक चीज और हो जाएगा क्या कि इट कैन चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट का मतलब यही होगा, इट कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इट कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट का शेप। तो सिंपली फिर से मैं समझा देता हूँ, इट कैन डिक्रीज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यहाँ पे स्पीड डिक्रीज होगा, ठीक है, फोर्स जो है आपका स्पीड डिक्रीज कर सकता है, फोर्स यहाँ पे इट क्या फोर्स है, ठीक है, स्पीड को इंक्रीज कर सकता है, मूविंग बॉडी को रेस्ट में ला सकता है और रेस्टिंग बॉडी को मूव करा सकता है, ठीक है, रुका हुआ बॉडी को मूव करा सकता है, मतलब क्या बोलते हैं मोशन में ला सकता है, मोशन जो बॉडी था उसको रेस्ट में ला सकता है। इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, मोशन का डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है, इट कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, उसका जो ऑब्जेक्ट का जो शेप है उसको चेंज कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर एप्पल रखा हुआ था, एप्पल को हम खा लिए, चेंज हो गया। और भी क्या है कि अगर यहाँ बोर्ड है, ठीक है, यहाँ पे कस के अगर हम मान के चलिए इसको पत्थर फेंक दिया, कुछ भी फेंक दिया, तो वो क्या टूट, शेप चेंज हो जाएगा इसका, टूट जाएगा। और कोई कोई लड़का खड़ा है सामने में, उसको कस किस खींच के लगा दिया, अगर उसको खींच के लगा देंगे, ठीक है, थप्पड़ मार दिया उसको, तो क्या हो जाएगा, उसका थोपड़ा बिगड़ जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, फोर्स के कारण उसका चेहरा बिगड़ जाएगा, शेप चेंज हो जाएगा, ठीक है। फीलिंग लाइए अंदर से, फील कीजिए, फिजिक्स को फील करने का चीज है, ठीक है, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। अगर आपको अच्छा लग रहा है, अगर आपको कहीं भी डाउट हो रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके बोल सकते, कमेंट सेक्शन इसीलिए बना हुआ है, ठीक है, कि आप वहां पर डाउट पूछिए, कुछ सजेस्ट कीजिए, रिकमेंड कीजिए, चलिए, ठीक है। तो इसका मतलब पूरा होल हम क्या समझेंगे, हर जगह देख रहे हैं कि इंट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एक पॉइंट बना के कि फोर्सेस आर ड्यू टू इंट्रैक्शन, समझा, फोर्सेस आर ड्यू टू इंट्रैक्शन, ठीक है। तो यहां तक मैंने लिखा दिया, तब तो पॉज द वीडियो तो नोट इट डाउन, हाँ, तो आपने नोट डाउन कर लिया। तो अब हम देखेंगे क्या कि द इंट्रैक्शन ऑफ एन वन ऑब्जेक्ट, देखिए ए सॉरी क्या है एन इंट्रैक्शन एंड एन इंट्रैक्शन, अगर एक इंट्रैक्शन है बिटवीन टू ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ऑफ वन ऑब्जेक्ट और अदर, ठीक है, ऑफ वन ऑब्जेक्ट ऑन अनदर, अगर इंट्रैक्शन है तभी फोर्स लगेगा, इंट्रैक्शन नहीं होगा फोर्स नहीं लगेगा। तो एन इंट्रैक्शन ऑफ वन ऑब्जेक्ट ऑन अनदर रिजल्ट्स इन ए फोर्स between one another, ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया। चलिए अब यह क्या है, इंट्रैक्शन बिटवीन वन ऑब्जेक्ट ऑन अदर रिजल्ट्स इन ए फोर्स बिटवीन वन अनदर। चलिए बहुत थ्योरी हो गया, अब इसे मैं समझाने का बात आ गया, ठीक है। जैसे ठीक है, ये पेन रखा हुआ है यहाँ पे, ये पेन यहाँ रखा हुआ है, जब तक इसके बीच में हम इंट्रैक्शन नहीं लाएंगे, जब तक इसको लिफ्ट नहीं करेंगे, तो ये फोर्स यहाँ पर फोर्स लगेगा, ये उठेगा नहीं उठेगा, तो यही यहाँ पे लिख रहा है। और क्या है कि कार रुका हुआ है, इसे हमें पुश करना, तो हम पीछे जाके खड़े हो जाएंगे, बिहाइंड द कार खड़े हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं कि कार अपने आप चलने लगेगा, यहाँ टार्जन द वंडर कार नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया आपका, तो इसे हम लिख के सक सकते हैं, सिंपली हम लिखेंगे। और भी बहुत जगह देखें, बॉल पड़ा होगा, उसे अब तक किक नहीं करेंगे, तब तक आगे जाएगा नहीं जाएगा, ठीक है। और क्या है, स्विच, रात में आप सोए हुए हैं और अपने आप सोच रहे कि स्विच ऑन हो जाता तो नहीं होगा, आपको उठना पड़ेगा, स्विच को प्रेस करना पड़ेगा, तब जाके स्विच ऑन होगा,
इंटरेक्शन होना जरूरी है, ठीक है, तभी जाके फोर्स लगता है आपका, ठीक है। तो आप एग्जाम्पल हम लिखते हैं, एग्जाम्पल इफ अ मैन, ठीक है, कार वाले एग्जाम्पल लिखते हैं, इफ अ मैन स्टैंड बिहाइंड अ कार देन कार डजंट मूव, कार डज नॉट मूव, ठीक है, एंड इफ एंड इफ इफ द मैन पुश द कार देन द तो कार क्या होगा, मूव करेंगे, देन द कार मूव्स, समझ में आया, ठीक है, फील आया अंदर से, फीलिंग आया। तो ये था आपका इंट्रोडक्शन क्लास फोर्स का, ठीक है, मैं हूं शिवम भास्कर। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो, मतलब कि लेक्चर आपको अच्छा पसंद आया हो, तो आप लाइक करना ना भूलें, ठीक है, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करें, ताकि वो भी अब इस क्लास का यूज कर पाए, इस क्लास को, ठीक है, उसका आनंद ले पाए। और आपको कहीं पे अगर कहीं भी कहीं दिक्कत हुआ हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। और हाँ, टेलीग्राम का लिंक ग्रुप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है, मैंने डाल दिया है, तो वो वहाँ पे आपको नोट्स मिलेगा। अगर आपको नोट्स चाहिए हो तो आप कमेंट सेक्शन में बोले कि सर नोट्स चाहिए, नोट्स चाहिए, तो यही सब चीज होगा नोट्स में, ठीक है, और कुछ हो, कुछ एग्जाम्पल में भी अधिक हो सकते हैं, ठीक है। तो ये तो आपका इंट्रोडक्शन क्लास था, इसमें से कुछ कुछ न्यूमेरिकल्स भी होंगे, ठीक है, छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स होंगे, आप 8th क्लास में हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया इंट्रोडक्शन क्लास फोर्स का हमने स्टार्ट कर दिया है, और आप बेफिक्र रहे हैं, आपका सिलेबस पूरा होगा, समय से पहले पूरा होगा, बहुत अच्छे से पूरा होगा, आपको सारी नॉलेज दी जाएगी। और हाँ, और आप जो देख रहे हैं वीडियो, वहाँ पे नीचे में एक लाल कलर का बटन होता है, जो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है, सब्सक्राइब का बटन होता है, ठीक है, तो वहाँ पे आपको क्या, आप उसे सब्सक्राइब करें, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे, आप अच्छे से पढ़ें, ठीक है, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए, तब तक के लिए धन्यवाद।